बोलिए समाज हमारी बाबा की जय। बड़ी प्रसन्नता है हमारे टीआरसी से भाई जगतार सिंह जी, उनका यह है कि महाराज शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और शिवरात्रि का क्या महत्व है। तो शिवरात्रि को भगवान शंकर और पार्वती का विवाह माना जाता है, इसलिए विवाह उत्सव के रूप में बड़े आनंद से मनाया जाता है। और दूसरी बात, शंकर भगवान की कोई जाति पाति नहीं है, शंकर भगवान सबका है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, एकमात्र कल्याण की भावना से कैलाश पर विराजमान रहने वाली, सारी दुनिया के लिए अभय का दान देने वाली भगवान शंकर। और खासकर गुड़ानी कला डेरा समाधा में तो हमारे बाबा जी मानगिरी जी और तीरथगिरी जी, जिन्होंने पिंड की खातिर अपनी कुर्बानी दी थी और वचन दिया था कभी खेती का नुकसान नहीं होगा, वंश वृद्धि होगी, लोगों की झोलियाँ भरेंगी, फलेंगे फूलेंगे, ऐसा विचार और वचन महाराज जी ने देते हुए जीवित समाधि ली थी। पिंड की खातिर, पिंड के लोगों के लिए गुलामी से मुक्ति दिलाने को, क्योंकि जो फुलका वंश का राजा था, सरदार था, वो पिंड के लोगों के लिए दुखी करता था, बहन बेटियां उठा लेता था, अत्याचारी था। तो हमारे बाबा जी ने उसको समाप्त करा के और जीवंदी समाधि ली थी, गुरु चेला की समाधि है। और इसलिए उनके निमित्त शिवरात्रि पर्व के दिन समाधि वालों के नाम से ये सेवा होती है, या अखंड अटूट लंगर चलता है, 8 दिन पहले भागवत जी की कथा होती है। और इसको तन मन और धन से देश विदेश परदेश रहने वाले सभी जो भी यहाँ के सेवादार हैं, तन मन से सेवा देते हैं, धन से सेवा देते हैं, और ये मर्यादा बराबर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि बाबा सबकी झोलियाँ भरते हैं और सब प्रसन्नता से सेवा करते हैं। तो शिवरात्रि को समाधा वालों का दिवस माना जाता है और सारी दुनिया में शिव और पार्वती के विवाह का दिवस मानकर सभी लोग कल्याण स्वरूपी शंकर की सेवा करते हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, समाधा वालों की जय। Thank you.
Thank you.
Is it?